नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज मध्य प्रदेश आज प्रांतीय पशु चिकित्सा संघ का प्रांतीय सम्मेलन है, जिसमें सभी जिलों से, मध्य प्रदेश के सारे जिलों से अध्यक्ष सचिव को सदस्य को यहाँ बुलाया गया है। और विशेषकर यहाँ पर आज सामान्य प्रशासन मंत्री आदरणीय परमार सिंह पटेल को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हमारा पशु चिकित्सा विभाग एक विशेष विभाग है। पूरे मध्य प्रदेश में इनका एक विशेष कार्य है और हमारी जीडीपी में, भारत की जीडीपी में कृषि के अलावा अगर किसी का योगदान है तो वह पशु चिकित्सा विभाग का। इसी तारतम्य में आज यहाँ पर चर्चा हुई है और एसोसिएशन द्वारा जितने भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, इनको सारी संघ की जानकारियाँ यहाँ से दी गई है कि संघ क्या क्या कार्य करता है और पशु चिकित्सा संघ में कितने लोग होने चाहिए, कौन कौन सी कार्यकारिणी गठित होना है और संघ आगे जाके क्या कार्य करने वाला है। इसी उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे पशु चिकित्सा संघ का यहाँ पे कार्यकारिणी का प्रांतीय सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और सामान्य प्रशासन मंत्री आदरणीय परमार सिंह पटेल उपस्थित थे। हमारे गुलशन बामरा जी जो अपने प्रमुख सचिव हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा भी पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगामी समय में भारतीय पशु चिकित्सा संघ और प्रांतीय पशु चिकित्सा संघ मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में कार्य करेगा और पशुपालकों को विशेष तौर पर गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता की सुरक्षा के लिए तथा उनके इलाज के लिए सारे लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एम के मौर है, मैं छिंदवाड़ा से यहाँ पर आया हूँ और वर्तमान में मेरे पास शांति पशु चिकित्सा का पशु चिकित्सा संघ का अध्यक्ष का दायित्व है और मेरे साथ मेरी पूरी कार्यकारिणी यहाँ पे आई हुई है। क्या जो एम्बुलेंस चलाई गई पशु चिकित्सा के लिए, क्या इसकी सेवा कई जगह कॉल, इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है? पशु चिकित्सा की जो सेवा केंद्रीय शासन की एक बड़ी अच्छी मंशा है कि हमारे पशुपालक को घर घर पहुँच सेवा मिले, क्योंकि गाय जो है, गौ माता अगर बीमार होती तो उसको लाया नहीं जा सकता। अस्पताल इतने हैं नहीं हमारे कि हर जगह अस्पताल में गाय को लाया जाए, इसलिए व्यवस्था की गई है। उसमें एक डॉक्टर, एक पैरावेट और एक ड्राइवर की व्यवस्था की है कि जब भी कोई कॉल आता है 1962 में, हमारे पशु चिकित्सक सतत वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत चिकित्सा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए 1962 से पशुपालकों को बहुत फ़ायदा हुआ है और उसमें थोड़ा सा सुधार होगा तो धीरे धीरे हम और अच्छी सेवाएं उसमें देना शुरू करेंगे। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे याद। नमस्कार।